नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA TEJAS पे माउंटेड गन के बारे में, और इस गन को लेकर ऐसे अपडेट हैं कि इस गन पे जो इंटीग्रेशन ट्रायल हैं वो जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे इस मंथ के एंड तक। अगर बात करते हो गन की, तो ये गन है GSH-23mm ट्विन बैरल ऑटो कैनन, और इस गन को भारत में ही ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिचुपल्ली बना रही है। तो इसको लेके कुछ सवाल थे कि क्या इस गन के ट्रायल्स इससे पहले तेजस पे कंडक्ट किए गए हैं। तो इससे पहले GSH-23 के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं तेजस पे, और ये किया गया था 2015 में HAL के नासिक फैसिलिटी में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि LCA TEJAS के चाहे SP-21 हो, SP-22 हो, या फिर उससे ऊपर के जो भी सीरीज प्रोडक्शन हो, वो ऑलरेडी अपने टाइम से डिले चल रहा है। और वहीं पे ये खबर आ रही है कि लास्ट टेस्ट जो 2015 में कंडक्ट किया गया था, उसके बाद ये इस मंथ में आपको जो GSH-23 है उसके ग्राउंड ट्रायल्स देखने को मिलेंगे, और FOC वेरियंट के आने के बाद जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस गन के स्ट्रक्चर और लोकेशन को लेके काफी लोग जानना चाहते थे। अगर आप बात करोगे कहाँ माउंटेड है ये, तो तेजस के ये मिडिल फ्यूजलेज पे है जो कि इसके बॉडी से फिक्स्ड होगा। और इस तरह के ऑटो कैनन को किसी फाइटर जेट पे माउंट कर देना और वहां से एक्यूरेटली फायर करना, ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और इसीलिए सबसे पहले इस तरह के गन के जो ट्रायल्स होते हैं वो ग्राउंड ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, और देखा जाता है कि ग्राउंड ट्रायल्स में किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। स्पेशली बात करोगे वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन इस तरह के ट्रायल्स में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं। अगर हम यहाँ पे वाइब्रेशन की बात कर ही रहे हैं, तो ये जान लेते हैं कि कितना क्रिटिकल होता है किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वाइब्रेशन एनालिसिस। अगर बात करोगे सिर्फ तेजस की, तो तेजस के एयरफ्रेम से लेके लेवकॉन तक एक एक पार्ट की जो वाइब्रेशन एनालिसिस है वो कंडक्ट की गई है अलग अलग टेस्ट रिज पे। उन सबको यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, चाहे वो अल्ट्रासोनिक सी स्कैन हो या फिर स्टैटिक टेस्ट रिग हो। तो इसके एयरफ्रेम के हर एक पार्ट के लिए जो वाइब्रेशन एनालिसिस है वो कंडक्ट की गई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इसके एयरफ्रेम से कोई गन अटैच कर रहे हो, तो वो गन फायरिंग के दौरान अपना ही वाइब्रेशन लेके आएगा, जो कि कहीं ना कहीं जो एयरफ्रेम की लाइफ है उसको लिमिट करेगा अगर ये जो वाइब्रेशन का नंबर है वो ऊपर जाता है तो। और इस तरह के माउंटेड सिस्टम के वाइब्रेशन को स्टडी करने के लिए एक अलग ही प्रोफाइल का मेथड चुना जाता है, और ये मेथड आमतौर पर होता है साइन ऑन रैंडम प्रोफाइल, जो कि एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है। और इस तरह की स्टडी को कंडक्ट करके आपके गन से प्रोड्यूस हो रहे जो वाइब्रेशन है, शॉक है या ग्लेयर है, वो किस हद तक आपके एयरक्राफ्ट के फ्रेम या फिर गन के प्रिसीजन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। और इस तरह के ग्राउंड फायरिंग ट्रायल का यहाँ पे मतलब यही होता है कि आप ये जान पाओ मुश्किल के समय में अगर आप गन फायर करते हो तो वो कहीं रुकता तो नहीं है, यानी कि वो रिलायबल तो है। तो इस तरह के पैरामीटर आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ फायरिंग के दौरान जो रिकॉयल है, जो शॉक है, वो आपके गन के बॉडी पे किस तरह का आ रहा है, तो ये सब चीज़ें एक वाइड स्पेक्ट्रम में देखी जाती हैं। अगर स्पेशली बात करोगे SOR मेथड के बारे में, यानी कि साइन ऑन रैंडम प्रोफाइल मेथड के बारे में, तो ये अपने आप में एक लंबा मेथड है। लेकिन अगर मुझे संक्षेप में बताना होगा, इस मेथड में दो तरह की जो एनालिसिस है वो की जाती है। आपका पहला हो जाता है टाइम को मद्देनजर रख के, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी को मद्देनजर रख के। और तेजस के इस टेस्ट के दौरान ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 2.5 मिनट की फायरिंग में कुछ 5 सैंपल निकाल के ये टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, और उस समय के जो वाइब्रेशन रिजल्ट थे वो उतने परफेक्ट नहीं थे, और इसीलिए इसको लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्टडीज हैं वो दोबारा से कंडक्ट की जाएंगी, और जो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो किए गए हैं, जहाँ पे गन फायर के दौरान जो शॉक और वाइब्रेशन है उन सबको मैनेज करने की और कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस तरह के मशीन गन जो कि फाइटर जेट्स पे माउंटेड होते हैं, उनका जो रियल टेस्ट होता है वो फ्लाइट ट्रायल्स में ही होता है, क्योंकि ग्राउंड ट्रायल पे जो ज्योमेट्री होती है और पैरामीटर होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्लाई कर रहे होते हो, तो प्रिसीजन को अफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अलग अलग तरह के जो वेलोसिटी वेक्टर हो, ड्रैग हो, टेम्परेचर हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसका एक प्राइम एग्जांपल आपको दिखेगा, क्योंकि F-35 की जो फायरिंग थी ग्राउंड पे वो बहुत अच्छे से कंडक्ट की गई थी, लेकिन जैसे इसके फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट किए गए तो जो रिजल्ट था वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो यहाँ पे जो भी इस तरह के गन होते हैं उनके जो फ्लाइट ट्रायल्स होते हैं वो काफ़ी महत्व रखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।